केंद्रीय आरोग्य खाते की पत्रकार परिषद शुरू है, थेट जाए गई है। इसी श्रृंखला में गृह मंत्रालय ने एक राज्य सरकारों को स्पष्ट किया है कि सीनियर सिटीजन्स की बेड साइड अटेंडेंट और केयर गिवर सेवाएं एग्जेम्प्ट सर्विसेज हैं। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटीज में प्री पेड मोबाइल कनेक्शंस की रिचार्ज फैसिलिटी भी एग्जेम्प्ट सेवाओं में शामिल है। जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए यह फिर से स्पष्ट किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स, ब्रेड फैक्ट्रीज, आटा और दाल मिलों को भी छूट प्राप्त है। गृह मंत्रालय ने अपने 21 अप्रैल के आदेश द्वारा बीज और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के आयात निर्यात संबंधी सुविधाओं को, कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र की रिसर्च संस्थाओं को तथा मधुमक्खी उत्पाद एवं शहद संबंधी आवाजही को छूट दी है। विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक किताबों की दुकानों और गर्मी के मौसम को देखते हुए इलेक्ट्रिक फैंस की दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी गई है। लाखों भारतीय मर्चेंट शिपिंग वेसल्स पर काम करते हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि भारतीय सी फेयरर्स लॉकडाउन की वजह से जहाजों पर स्ट्रैंडेड हैं या जहाजों पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये चिंता भी है कि अन्य देशों के सी फेयरर्स ऐसे जहाजों पर भारतीय सी फेयरर्स की जगह ले सकते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने उनके साइन ऑन और साइन ऑफ के लिए 21 अप्रैल को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। लॉकडाउन के एनफोर्समेंट देश में कुछ घटनाओं को छोड़ अधिकांश स्थानों पर संतोषजनक चल रहा है। आर्थिक गतिविधियों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल तक मनरेगा के तहत 1.5 करोड़ से अधिक श्रम दिवस अर्जित हुए हैं। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में नहीं है वहां गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य सरकारें औद्योगिक इकाइयों को सुव्यवस्थित तरीके से शुरू करवाने में लगी हुई हैं। कई स्थानों पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इत्यादि जो पहले से ऑपरेशनल थी उसमें भी वृद्धि हुई है। सड़क निर्माण, ईंट भट्टों, सीमेंट फैक्ट्रीज आदि से संबंधित कार्य भी शुरू हो गए हैं। कई कार्यों में प्रवासी श्रमिकों को भी रोजगार दिया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं का फीडबैक लेकर उनको दूर करने के कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में होम सेक्रेटरी ने और सेक्रेटरी डीपीआईटी ने अभी इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग की। जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज परमिटेड है उनको किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाएं और आर्थिक गतिविधियों को गतिशील करें इस पर भी चर्चा की है। हमारे चिकित्सा क्षेत्र के भाई और बहन बड़ी निष्ठापूर्वक खुद की परवाह किए बिना कोविड-19 से हमें बचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। गृह मंत्रालय ने समय समय पर इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर सलाह दी है कि सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को पर्याप्त सुरक्षा दें, चाहे वे हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हों, क्वारंटाइन सेंटर में हों या परीक्षण हेतु फील्ड में जा रहे हों। माननीय गृह मंत्री जी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक की और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा का आश्वासन दिया। माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को पत्र लिखकर सभी राज्यों को कहा है कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और IMA के लोकल चैप्टर के साथ मिलकर मेडिकल प्रोफेशनल्स को की पर्याप्त सुरक्षा हेतु जो कदम उठाने हैं उनको सुनिश्चित करें। चिकित्सा टीमों की सुरक्षा के लिए
जो कदम उठाए गए हैं उनकी जानकारी भी आईएमए के लोकल चैप्टर के साथ साझा करें। इससे स्वास्थ्य कर्मी विश्वस्त होंगे कि वे सुरक्षित हैं। इस संबंध में जिला एवं राज्य स्तर पर नोडल ऑफिसर्स को भी नियुक्त करें जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा संबंधी समस्याओं का निदान कर सके। अगर किसी भी मेडिकल स्टाफ के खिलाफ कोई भी हिंसा या अनुचित व्यवहार की घटना होती है तो दोषियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बारे में जनता में भी जागरूकता पैदा करनी चाहिए। हमारी उम्मीद ये है कि इन सब कदमों से लॉकडाउन सफल रहेगा, एक्टिविटीज सुचारू रूप से प्रारंभ होंगी तथा हम कोविड-19 की चेन को तोड़ने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से, प्लीज। कल से पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो देश में 1409 टोटल पॉजिटिव कंफर्म केसेस एडिशनल आए हैं, विच टेक्स आर टोटल कंफर्म केसेस टू 21,393। इन केसों में अगर देखें तो टोटल केसेस अंडर एक्टिव मेडिकल सुपरविजन 16,454 हैं। एक पॉजिटिव न्यूज के रूप में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अब तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं। इवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए हैं, जो कि हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। इसके साथ ही पिछले 28 जिलों में, जैसे कि इससे पहले हम आप लोगों की दृष्टि में लाए हैं, 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे, अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले ऐड हुए हैं, वह है चित्रदुर्ग कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, इम्फॉल वेस्ट मणिपुर में, आइजवाल वेस्ट मिजोरम में, भद्राद्री कोट्टागुडम तेलंगाना में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, SBS नगर पंजाब में और साउथ गोवा गोवा के अंदर। इसके साथ ही देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। इस स्थिति के अंदर देखें तो 33 नए जिले ऐड हुए हैं जो कि 9 स्टेट में ऐड हुए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। साथ ही माननीय राष्ट्रपति जी ने कल एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को अमेंड किया गया है। इस ऑर्डिनेंस को कहा है एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के अगेंस्ट वायलेंस के किसी भी एक्ट में इंडल्ज ना करे या एपिडेमिक के दौरान किसी भी प्रॉपर्टी को कोई भी लॉस या नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के साथ वायलेंस कमिट करते हैं या तो उनको 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही 50,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक का फाइन भी उनके ऊपर लेवी किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर कोई किसी हेल्थ प्रोफेशनल को जो कि एपिडेमिक ड्यूटी में लगे हुए हैं उनके साथ कोई ग्रीवियस हर्ट अगर उनको देते हैं तो उसकी सजा बढ़कर 6 महीने से 7 साल तक हो सकती है और फाइन भी 1,00,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक उस पर लगाया जा सकता है। इस एक्ट के तहत किया हुआ कोई भी ऑफेंस कॉग्नाइजेबल है और नॉन बेलेबल रहेगा। जो भी पर्सन इस एक्ट के तहत कन्विक्ट किए जाएंगे उनको कंपेंसेशन भी पे करने के लिए वे लायबल होंगे और कंपेंसेशन जो हो सकता है वह जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी डैमेज प्रॉपर्टी की या जो लॉस उन्होंने कमिट किया है उसकी ट्वाइस द अमाउंट हो सकता है। मेरी आप सब लोगों से यही विनती है कि हमारे जितने भी कोविड योद्धा हैं हमें उनका सपोर्ट लेना है। हमें ये जानना चाहिए कि वह सब हमारे आदर और सम्मान का पात्र हैं। इसके साथ ही आरोग्य सेतु के बारे में हम विभिन्न माध्यमों के जरिए आपसे बात कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं दिखाना चाहूंगा सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी। गुड मॉर्निंग सर। आप कौन? सर मैं आपका नया बॉडीगार्ड सेतु। सेतु? लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स हैं। सर मैं एक अलग टाइप का बॉडीगार्ड हूँ। कोरोना वायरस से आपकी बॉडी को सिर्फ सेतु ही गार्ड कर सकता है। कोरोना वायरस से? वो कैसे? सर वो ऐसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको कोरोना वायरस से कोई खतरा तो नहीं। अच्छा, आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू।
सर और तो और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपसे आपके परिवार वालों को कोई खतरा तो नहीं। मुझसे मेरी फैमिली को क्या खतरा होगा यार। सर जानबूझ के थोड़ी, अगर अनजाने में आप किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान के टच में आ गए तो मैं आपको फौरन अलर्ट कर दूंगा ताकि कहीं आप इस बीमारी को अपनी फैमिली तक ना पहुंचा दें। और ये सब सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ आपके लिए ही नहीं सर, भारत सरकार ने मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए हर एक का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। अरे कहां गया? टेंशन मत लीजिए सर, हर वक्त आपके फोन में एक ऐप बनकर रहूंगा। आप भी आज और अभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी। टुडे वी आर ऑल्सो जॉइंड बाय मिस्टर सी के मिश्रा, डायरेक्टर ICMR एंड डायरेक्टर एम्स। आप सब लोगों को विदित है कि कोविड की इस लड़ाई में, इस महामारी के युद्ध में गवर्नमेंट की तरफ से 11 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए थे गाइडेंस के लिए, और उसमें से एक ग्रुप, ग्रुप नंबर 4-2, जिसका मुख्य कार्य है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, क्वारंटाइन और आइसोलेशन फैसिलिटीज, डिजीज सर्वेलेंस और टेस्टिंग के विषय में गाइडेंस देना, काम करना। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीके मिश्रा साहब से कि फर्दर हमें बताएं प्लीज। फ्रेंड्स, प्रतिदिन उस दिन की जो स्थिति होती है, जो प्रगति होती है, जो बदलाव आते हैं, उसके संबंध में मेरे कॉलीग्स लव अग्रवाल, पुण्या श्रीवास्तव, डॉक्टर गंगा आपको आंकड़ों से अवगत कराते हैं, स्थिति से अवगत कराते हैं और आप उसका विश्लेषण करते हैं। आज हम सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि आंकड़ों से थोड़ा अलग हटकर हम इस बात की चर्चा करें कि इस कोविड की लड़ाई में एक, हमारी रणनीति क्या है, और दो, हमारी तैयारी क्या है। इन दो विषयों पर हम फोकस करना चाहेंगे। एज यू अवेयर, वी आर पासिंग थ्रू वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम्स। मेनी ऑफ द कंट्रीज विच आर नोन एज डेवलप्ड कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड विथ फार मोर कैपेसिटीज एंड मच बेटर रिसोर्सेज देन अस आर ऑल्सो फेसिंग ह्यूज चैलेंज। ये पृष्ठभूमि है जिसमें इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और आज एक महत्वपूर्ण दिन है, आज लॉकडाउन के एक महीने पूरे हुए हैं, तो इस 30 दिनों में हम कहां थे, कहां पहुंचे हैं और हमने क्या तैयारी की है, इस पर संक्षेप में मैं आपके समक्ष सारी लोगों को रखना चाहूंगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इश्यू इज व्हाट हैज दिस 30-day लॉकडाउन डन। मुझे ये पूरा एहसास है कि दिस हैज ब्रॉट हार्डशिप टू मेनी पीपल, बट वी मस्ट एक्सप्रेस आर ग्रैटिट्यूड टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया हु आर फेसिंग दिस हार्डशिप टूडे सो दैट वी कैन सेव लाइव्स इन फ्यूचर। और हमारा मूल जो मंत्र है वो है कि हम जिंदगी कैसे बचाएं और लोगों को ठीक कैसे करें। तीन प्रमुख चीज है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जो 30 दिनों के लॉकडाउन में हुए हैं। पहला, वी बीन एबल टू कट ट्रांसमिशन, मिनिमाइज स्प्रेड एंड इंक्रीज द डबलिंग डेज, एज लव अग्रवाल हैज ऑलवेज बीन स्पीकिंग टू यू। सेकंड, वी हैव बीन एबल टू कंसिस्टेंटली रैंप अप आवर टेस्टिंग। And third, we have been able to utilize this time gainfully for preparing ourselves for the future if the virus spreads further, and anyway, whatever is required to be done, we will need to do. So there has been a lot of action during these 30 days. Hazaron log, na sirf hum jo Delhi mein baithe hue hain field mein, hazaron log is kaarya mein lage hue hain, aur logon ne milkar और सरकार ने कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिसने यह सुनिश्चित किया है कि इन दीज 30 डेज वी रिमेन्ड मोर और लेस स्टेबल, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू ब्रिंग बिफोर यू। एंड व्हाट वन ऑफ द क्रिटिकल टूल्स, एक अहम
हथियार जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो टेस्टिंग है, और व्हेन आई सेड टेस्टिंग इट इज आरटीपीसीआर टेस्टिंग जो हमें बताता है कि मरीज को बीमारी है या नहीं है। अब अगर हम टेस्टिंग को देखें तो मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। 23 मार्च को हमने पूरे देश में 14,915 टेस्ट किए थे। ऑन दिस 22nd ऑफ अप्रैल वी हैव डन मोर देन 5 लाख टेस्ट। इफ यू डू अ रफ कैलकुलेशन इट इज अबाउट 33 टाइम्स इन 30 डेज। बट वी आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज नॉट इनफ एंड वी हैव टू कंटिन्यूअसली गो मूव अहेड एंड रैंप टेस्टिंग इन दिस कंट्री। वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। हमने ये भी देखा है और श्री अग्रवाल ने भी बताया कि इस अवधि में हमारे नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस में भी बढ़ोतरी हुई है, और हमें उस बात को ध्यान में रखना है जब हम अपनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं या हॉस्पिटल की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो मैं संक्षेप में कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहूंगा, सो दैट वी आर एबल टू अप्रिशिएट व्हाट इज हैपनिंग एंड ऑलवेज कीपिंग दिस एट द बैक ऑफ आवर माइंड दैट दिस मे नॉट बी एनफ एंड वी नीड टू कंटिन्यूअसली वर्क टू डू मोर एंड मोर ऑन दिस। लेट अस लुक एट दिस। दिस शोज द फिगर्स ऑफ दिस 30 डेज एंड हाउ द नंबर ऑफ डेली टेस्ट्स हैव गोन अप एंड हाउ द न्यू पॉजिटिव्स हैव गोन अप। सो दिस इज वॉट वेयर वी स्टैंड टूडे, वॉट वी बीन डूइंग एंड वॉट वी बीन ट्राइंग टू अचीव। लेट अस नाउ कम मूव अ लिटिल फर्दर ऑन दिस एंड सी हाउ केसेज हैव मूव्ड इन इंडिया। This is how the positive cases have moved in India. The only point that I would like to make here is that the growth has been more or less linear, not exponential. What that tells us is that there are certain strategies in work which has helped this be contained to a particular level. Now let us move on to see beyond this what has been the story of positivity to testing during these 30 days. If you see this slide carefully, what it will really tell you is that during this period we are more or less lagbhag hum usi jagah par hain जहां हम एक माह पूर्व थे, यानी स्थिति बहुत बिगड़ी नहीं है। लगभग 4%, 4.5% लोग जो टेस्ट हुए थे वो पॉजिटिव निकले थे एक माह पहले, और अभी भी लगभग वही स्थिति है कि जितने लोग टेस्ट हो रहे हैं उसमें से जो प्रतिशत पॉजिटिव हो रहे हैं लगभग वही है, यानी कि हम एक कॉन्स्टेंट लाइन अगर आप इसको देखें तो वहां पर हैं। आपण बघितलं केंद्रीय आरोग्य विभागाची पत्रकार परिषद सुरू आहे, देशभरातल्या सगळ्या कोरोनाच्या परिस्थितीचा ते आढावा सर्वांसमोर मांडतायत। एक छोटासा ब्रेक घेऊन पुन्हा परतूया, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।